नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों को एक साथ सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि भाई भिन्न का जो जोड़ है, घटाव है, गुणा और भाग है, वो अलग अलग सवालों में था, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एक ही सवाल में चारों निशान देखने को मिलेंगे। इस तरह के जितने भी सवाल हैं इनमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन सवाल लिए हैं। पहले सवाल में आपको गुणा और भाग एक साथ देखने को मिलेगा, दूसरे सवाल में गुणा, भाग और घटाना है, और तीसरे सवाल में जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों को हम हल करना सीखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, क्योंकि ये जो चीज है आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा काम आने वाली है और बहुत ज्यादा गलतियों से आपको बचाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, 2/3 गुणा 5/2 भाग 10/3, ठीक है, इसमें गुणा और भाग है, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे भाई क्या है, 2/3 गुणा, इसके बाद में क्या है, 5/2, फिर इसके बाद में है भाग 10/3। ठीक है, तो जब भी गुणा और भाग एक साथ दिए रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग को हल करते हैं, फिर इसके बाद में हम गुणा को हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हल होगा, भाग हल होगा, फिर इसके बाद में गुणा हल होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले भाग को हल कर लेते हैं। तो देखिए, इसके आगे भाग है तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले ये क्या है, 2/3, इसके बाद में गुणा का निशान है तो इसको लगा दीजिए, फिर यहां पर क्या है, देखिए 5/2। ठीक है, अब जो भाग है इसको हम गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ये जो भाग है, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा, तो यहां पर आ जाएगा गुणा, और इसके आगे की संख्या क्या है, 10/3, तो इसको पलट दो तो ये क्या हो जाएगा, 3/10, तो यहां पर हम लिख देंगे 3/10, मतलब कि ये वाली जो संख्या है इसको हमने पलट दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको जैसे हम गुणा को हल करते हैं वैसे हल कर लीजिए। तो देखिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो 2 से देखिए ये वाला 2 कट जाएगा, 5 से इसको काटते हैं, 5 × 5, 5 × 2 = 10। ठीक है, ये 3 से, ये 3 भी कट गया, अब क्या बचा हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1/1 गुणा, इसलिए यहाँ पर भी देखिए कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 1/1 गुणा, यहां पर भी कुछ भी नहीं बचा ऊपर, तो यहां पर आ जाएगा 1/2, और यहां पर 2 बचा है तो ये आ जाएगा 2। अब इन सबका एक साथ गुणा कर लीजिए, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, फिर से 1 ही आएगा, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 1/1, 1 × 1, 1 × 2 = 2। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2। ठीक, तो यहां पर देखिए ये जो है इसका आंसर हमारा निकल के आ गया है कितना, 1/2 आ गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, पहला वाला सवाल जो है इसका आंसर हमने निकाल लिया है, 1/2 आया है। ठीक है, तो यहां पर गुणा और भाग होगा तो आपको ऐसे हल करना है। चलिए अब यहां पर हमको देखने को मिलेगा गुणा, भाग और घटाव, ऐसे सवालों को कैसे हल करना है, चलिए अब हम ये सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको साफ कर देते हैं और हमारे दूसरे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको साफ मैंने कर दिया है, और दूसरा सवाल क्या है, देखिए यहां पर है 5/3 गुणा 2/5 भाग 1/2 माइनस 8/3। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो क्या है देखिए, 5/3, ठीक है, गुणा, इसके बाद में क्या है, 2/5, फिर क्या है, भाग 1/2, इसके बाद में माइनस 8/3। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको एक रूल बता देता हूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर किसी भी सवाल में सबसे पहले अगर भाग है तो पहले नंबर पे हम भाग को हल करेंगे, फिर अगर इसके बाद में गुणा है तो दूसरे नंबर पर हम गुणा को हल करेंगे, फिर इसके बाद में यदि जोड़ है तो तीसरे नंबर पर हम जोड़ को हल करेंगे, और घटाव है तो चौथे नंबर पर हम घटाव को हल करेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट में, इसी सीरीज में हमें हल करना है, सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले भाग होगा, मतलब भाग इन दोनों के बीच में है, तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3 गुणा, ठीक है, भाग है इनके बीच में, तो देखिए यहां पर क्या है, 2/5, ये जो भाग है इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा हमारा गुणा, और इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, माइनस है, तो यहां पर आ जाएगा -8/3। अब देखिए भाग हम कर चुके हैं, अब इसके बाद में दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, गुणा को हल करना है। ठीक है, तो चलिए गुणा को करते हैं, तो देखिए गुणा यहां पर है और यहां पर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, सबसे पहले इसका गुणा इसमें, अगर कोई चीज कट रही है तो काट दीजिए, नहीं कट रही है तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहां पर 5 से 5 कट जाएगा, चलिए अब यहां पर हम लिख लेते हैं 5/3 गुणा, यहां पर क्या है देखिए, ऊपर 2 है तो ये आ जाएगा 2, सॉरी यहां से देखिए 5 तो कट चुका, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 1,
फिर यहाँ पर दो और यहाँ पर भी एक, फिर इसके बाद में गुणा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा दो बटा एक और यहाँ पर माइनस आठ बटा तीन। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ भी कट नहीं रहा है तो आप गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए दो एकम दो और दो दुनी चार, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा चार बटा, यहाँ पर भी गुणा कर लीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए तीन एकम तीन और तीन एकम तीन, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा चार बटा तीन माइनस आठ बटा तीन। ठीक है, अब देखिए ये एक भिन्न का सवाल बन गया है और भिन्न के सवाल में देखिए यहाँ पर जो हर है वो क्या है समान है, तो ऐसे सवालों का हल क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो दोनों का क्या आएगा सेम ही, यानी कि तीन आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा चार चार माइनस आठ, तो चार में से आठ तो जाएंगे नहीं, तो माइनस के आठ में से हम चार को घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का चार बटा तीन। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा सवाल है इसका आंसर क्या आ गया है माइनस का चार बटा तीन। तो देखिए कितना आसान है, बस इसी तरीके से हम तीसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पर आपको देखिए गुणा भाग जोड़ और घटाना तीनों चीजें देखने को मिल रही हैं, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, ये भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको साफ कर देते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। तो चलिए इस सवाल को मैं यहां पर लिख लेता हूं, सबसे पहले क्या है देखिए दो बटा तीन गुणा इसके बाद में क्या है पांच बटा दो, तो यहां पर हम लिख देंगे पांच बटा दो, फिर भाग है तीन बटा पांच, फिर जोड़ है दो बटा सात, फिर घटाना है एक बटा दो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या हल करना है, सबसे पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और फिर घटाव को। ठीक है, तो चलिए भाग कहां पर है, यहां पर भाग है तो सबसे पहले भाग को हल कर लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा दो बटा तीन गुणा ये हो जाएगा पांच बटा दो, फिर इसको हम भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा गुणा और इसको पलट दो तो ये हो जाएगा पांच बटा तीन। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर क्या है प्लस दो बटा सात, फिर माइनस यहां पर क्या है एक बटा दो। अब देखिए भाग हल हो चुका है, अब इसके बाद में आते हैं गुणा पर, तो गुणा इन दोनों के बीच में है तो चलिए गुणा कर लेते हैं, कोई चीज कट रही है तो काट दीजिए, तो देखिए दो से दो कट जाएगा, अब जो बचा हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर देखिए यहां पर एक बार में कटा है तो एक का गुणा पांच में करेंगे तो पांच एकम पांच और पांच पंजे पच्चीस। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा पच्चीस बटा, यहां पर देखिए ये तो एक आ गया तीन एकम तीन और तीन तिरका नौ, पच्चीस बटा नौ आ गया, फिर यहां पर क्या है प्लस दो बटा सात माइनस एक बटा दो। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है जोड़ को हल करना है। ठीक है, तो जोड़ इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जोड़ को हल करेंगे, तो यहां पर देखिए इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सात नाम तिरसठ। ठीक है, या फिर आप चाहें तो इनको एक साथ भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे कितना हो जाएगा सात नाम की तिरसठ, तो ये हो गया तिरसठ। ठीक है, और एक लाइन खींचेंगे नौ का भाग लगाएंगे तिरसठ में कितनी बार जाएगा नौ सत्ते तिरसठ। ठीक है, तो यहां पर जो सात आया है इसका गुणा 25 में हो जाएगा तो 25 गुणा 7 आ जाएगा। ठीक है, 9 का भाग लगाया 63 में 7 बार, 7 का गुणा 25 में। ठीक है, तो 25 गुणा 7 यहां पर आ जाएगा हमारा क्या प्लस 7 से भाग लगाएंगे 63 में कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 का गुणा 2 में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 गुणा 9 और फिर यहां पर क्या है माइनस का 1 बटा 2। क्लियर, तो 25 और 7 का गुणा करिए 7 पन्ने 35 की क्या हो जाएगी 5 और हासिल आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, और यहाँ पर 7 दुनी 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे 15, 16, 17, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 175। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद में प्लस यहाँ पर क्या है दो नाम के, चाहे तो आप इस तरीके से इसको काट के फिर हल कर सकते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भाग को सॉल्व करते हैं। आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।